देश की सबसे बड़ी नगर पालिका यानी मुंबई महानगर पालिका के आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने अपने चुनावी कैंपेन का ऐलान कर दिया है। मुंबई में भाजपा और शिवसेना अपने गठबंधन को मजबूत करने और मुंबई की जनता को रिझाने के लिए अपने भाजपा शिवसेना आशीर्वाद यात्रा के रूप में चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रही तस्वीरें उत्तर मुंबई के दहिसर इलाके की है, जहां आशीर्वाद यात्रा के दौरान हजारों की संख्या में भाजपा और शिवसेना के कार्यकर्ता शामिल हुए। आपको बता दें कि दहिसरपुर के अशोक वन इलाके में स्थित साई मंदिर के पास से इस जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस जन आशीर्वाद यात्रा के जरिए शिवसेना और भाजपा ने न सिर्फ अपना शक्ति प्रदर्शन किया बल्कि अपने चुनावी अभियान के सफर की शुरुआत कर दी। इस आशीर्वाद यात्रा में बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी, बीजेपी विधायिका मनीषा चौधरी समेत दोनों ही पार्टियों के कई बड़े नेता शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी और विधायिका मनीषा चौधरी ने कहा कि इस यात्रा का मकसद लोगों से जुड़ना और उनका आशीर्वाद लेना है। मुंबई भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना बालासाहेब ठाकरे जी के दोनों पार्टी की ओर से एक आशीर्वाद यात्रा निकल रहा है। ये आशीर्वाद यात्रा मागठाने विधानसभा से होते हुए कांदिवली विधानसभा, उसके बाद में मलाड़ विधानसभा, चारको, बोरीवली, ऐसा करते हुए दहिसर में इसका समापन होगा। और आपने देखा होगा कि जहाँ से अभी प्रारंभ होने वाला है वहाँ पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आए हैं और सभी चौक पर, जगह जगह पर कार्यकर्ता और मतदाता जो है वो इस यात्रा का स्वागत करने वाले हैं। कुल मिलकर जब से ये घटनाक्रम घटा, उसके बाद में जो भी कोर्ट के माध्यम से होगा या तो फिर चुनाव के आयोग के माध्यम से निर्णय आया है, ये सभी से जनता वाकिफ है। लेकिन अभी जो चिन्ह था वो भी शिवसेना बालासाहेब ठाकरे जी को मानने वाले शिवसेना को मिला, एकनाथ शिंदे जी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं, और सिंबल भी और नाम भी, ये दोनों भी मिला है। तो जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूरे महाराष्ट्र में इस प्रकार का आशीर्वाद यात्रा का आयोजन हुआ है और उसका एक प्रतीक करके आज उत्तर मुंबई से हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए जो भी कार्यक्रम होता है, जो भी यात्रा होता है, जो भी जनसभाएं होती है, वो सारा उस राज्य के कल्याणकारी काम के लिए होता है और फिर कल्याणकारी काम के माध्यम से चुनाव जीतना, ये तो अनिवार्य है। चुनाव जीतेंगे तो ही हम राज्य कर पाएंगे ना, चाहे महानगर पालिका का चुनाव हो, राज्य का चुनाव हो या तो फिर केंद्र का चुनाव हो, चुनाव जीतना अनिवार्य है। इसलिए चुनाव से हम अलग करके कोई भी काम करते नहीं, ऐसा मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, क्योंकि हर काम के पीछे पार्टी मजबूत हो, चुनाव में हमको यश आए और हम अच्छी तरह से राज करके जनता की सेवा करें, ये हमेशा मन में सोच होती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र जी आणि एकनाथ शिंदे जी ह्या दोघांचं मनपूर्वक अभिनंदन करते की ह्या महाराष्ट्राला न भूतो ना भविष्य असं आज बजेट दिलेलं आहे। ह्या बजेटमध्ये महिला असतील, निराधार बायका असतील, शेतकरी असतील, उद्योजक असतील, विद्यार्थी असतील, ह्या सर्वांना समाविष्ट करून एक महाराष्ट्राचं पंचामृतचं आज बजेट दिलेलं आहे, त्याबद्दल मी त्यांचं अभिनंदन करते। आणि गेले 7 महिन्यापासून महाराष्ट्रामध्ये शिंदे आणि देवेंद्रजींचं सरकार आल्यानंतर ह्या महाराष्ट्राचा विकास आपण बघत आहोत आणि हा महाराष्ट्राचा विकास होत असताना मुंबईमध्ये जे 30 वर्षांमध्ये उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेना जेव्हा मुंबई महानगरपालिकेमध्ये होती तेव्हा जे केलं नाही ते 7 महिन्यामध्ये मुंबईमध्ये त्यांनी करून दाखवलं। आणि त्यातला एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे ज्या मुंबईकरांचं आज आरोग्याला धोकादायक असलेलं मुंबईचं दूषित पाणी समुद्रात सोडलं जात होतं, ते 26,000 कोटीचं 7 HTP प्लांट लावण्याचं भूमिपूजन करून काम चालू करण्याचं काम आज आपल्या सरकारने केलेलं आहे। विविध योजना करत असताना शिंदेजी आणि देवेंद्रजी ज्या पद्धतीने महाराष्ट्राचा विकास करतायत आणि बळीराजाला नुसतं बांधावर जाऊन घोषणा करणाऱ्या उद्धव ठाकरेंचं नव्हे तर व्यक्तिरोध त्याचा पंचनामा करून त्यांच्या खात्यामध्ये पैसे पोहोचवणारे हे पहिलं आमचं सरकार आहे। आणि ह्या सरकारची आशीर्वाद यात्रा ही आज उत्तर मुंबईमध्ये आम्ही मागाठाणे विधानसभामधून चालू करत आहे। आपणा सर्वांस माहिती आहे की हा आशीर्वाद जनआशीर्वाद आहे। आमचे खासदार गोपाल शेट्टीजी हे महाराष्ट्रात सर्वात जास्त मताधिक्याने निवडून आलेले ह्या उत्तर मुंबईचा इतिहास आहे।
आणि ह्या उत्तर मुंबईमधून 42 जे आमचे आमदार नगरसेवक आहेत येणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेला मुंबईचा महापौर ठरवण्याचं काम हे उत्तर मुंबई करेल आणि ही आशीर्वाद यात्रेचा जिकडे आम्ही सुरुवात करतोय तिकडे जी ज्या पद्धतीने युवांमध्ये जोश आहे कार्यकर्त्यांमध्ये जोश आहे हे सरकारची एक पॉझिटिव्हिटी दिसते आणि ह्या आशीर्वाद यात्रेने जनसामान्यामध्ये आजच्या बजेटच्या ह्याच्यामधून आणि आशीर्वाद यात्रे ह्याच्यातून निश्चितच राहिले सुरलेले जे काही असतील ते पुन्हा हे आमच्या आशीर्वाद यात्रेत जोडले जातील अशी माझी